पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न सेवा परियोजनाओं की प्रगति पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। सिलीगुड़ी में टॉक टू मेयर में मिली शिकायतों के आधार पर आरोपियों को भेजे गए नोटिस। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में निर्माण कार्य की समीक्षा करने पहुंचे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वजीत बसु और संपा सरकार। सिलीगुड़ी में एक के बाद एक अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई, फिर एक अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery. केवल 6 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न सेवा परियोजनाओं की प्रगति पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। विशेष रूप से उन्होंने सार्वजनिक वितरण, नदी कटाव, बाढ़ की स्थिति, मिड डे मील और चाय बागानों के साथ साथ केंद्र सरकार की उड़ानों और भारतमाला उत्पादन पर चर्चा की। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष से पहले समिति की रिपोर्ट मीडिया में सामने आने पर बीजेपी के 2 सांसद जगदम्बिका पाल और रामकृष्ण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। हालांकि सभापति अधीरंजन चौधरी ने इस मुद्दे को तूल नहीं दिया। बंगाल में टी वर्कर की हाल बहुत बुरा है। कल हम बंगाल के टी गार्डन से यहाँ के जो लेबर है, चाहे वो महिला और पुरुष, सबको बुलाए गए थे और इन सबको बात रखने का चलते इनकी बुरी हालत को देखते हुए किसी को खाना नहीं मिलते, किसी को घर नहीं मिलते, किसी को राशन नहीं मिलते, इलाज नहीं मिलते, दवाई नहीं मिलते, ये सारे चीज़ को मद्देनज़र ये चीज़ को सुधारने के लिए हम टी बोर्ड को और उनके ऑफिशियल्स को कमेटी की तरफ से गुहार लगाए गए हैं। उनको भी मानना है कि हाँ, देखिए बंगाल में टी गार्डन की जो वर्कर, उनके ये 250 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते रोजाना रोजगार। और आप चौंक जाओगे कि साउथ इंडिया में, जैसे कि तमिलनाडु हो, केरल हो, 400, 500, 600 रुपया मिलते हैं। देखिए वो मुद्दा नहीं है अभी, जो बात पे, जो चीज़ों पे हम यहाँ चर्चा करते हैं वो चीज़ आपको सुना दिया, वो अलग मुद्दा है, फिनांस की मुद्दा। सर, जो जो नजर में आया आपको कोई? ओ बिल्कुल उठाएंगे ना, उठाएंगे सारे। वो जो जो लाभार्थी होना चाहिए वो लाभार्थी नहीं हो पा रहे हैं। फर्जी दुकान, रेशन दुकान भी है, फर्जी रेशन कार्ड भी है, बहुत भारी भर का धांधली हो रहे हैं, ये सब का आपको पता है, वो मुद्दा जरूर उठाऊंगा। देखिए आज ये भारत की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको लोकलेखा समिति कहते हैं, वो सिलीगुड़ी के दौरे पर थी और उस सिलीगुड़ी के दौरे पर कुछ जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CNAG ने कुछ स्कीम पे या डिपार्टमेंट्स की जो स्कूटनी करते हैं, स्कूटनी करने के बाद अगर उस पर पैरा ऑडिट बनता, कुछ आपत्तियां होती हैं तो उन आपत्तियों को दिया जाता है, फिर वो पार्लियामेंट में के स्पीकर, ये जो संविधान की एक अस्थाई समिति है लोकलेखा समिति, उसको सौंपते हैं एग्जामिनेशन के लिए, परीक्षण के लिए, उसकी स्कूटनी करने के लिए उसका एग्जामिनेशन। अभी बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे और निश्चित तौर पर असहजता हुई, जिसके वजह से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीटिंग नहीं बहिष्कार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। और निश्चित तौर पर सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसको राजनीतिकरण नहीं ऐसे चीज़ों को करना चाहिए। और पार्लियामेंट की जो ये कमेटी होती है लोकलेखा समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, 100 साल पुरानी कमेटी है, संवैधानिक कमेटी है, तो इसकी अपनी गरिमा होती है। और मैं पिछले 5 साल से इसका मेंबर हूँ, लगभग आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कोई प्रेस के माध्यम से कोई बात कहना। और हम लोग भी कभी मना भी किया जाता है कि इन सब चीज़ों को जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो प्रेस तक नहीं जाना चाहिए, अधिकारी एक कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा अगर हुआ है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये और चिंता का विषय है। सिलीगुड़ी में टॉक टू मेयर कार्यक्रम में हर सप्ताह लोगों की समस्या सुनते हैं मेयर गौतम देव।
टॉक टू मेयर शहर की कई समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए कामयाब रहा है। इस कार्यक्रम से कई लोगों को फायदा हुआ है। इस बीच कोयला डिपो, खटाल और आग की भट्टी जैसे मुद्दों पर टॉक टू मेयर कार्यक्रम चल रहा है। मेयर ने कहा उन्हें सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद मेयर गौतम देव ने कहा कि नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके, आपको फेसबुक का एक मैसेज छो से उत्तर दिए शरतपल्ली तीनटा वार्क अर्डर हो सेंट माइकेल्सर वार्क अर्डर होज शुरू हो जाए यम कैकटा क्ज आपर छब्बीस नम्बर वार्ड एक क्ज से टेंडार स्टेजे आरकम अनेकगुलो आचल्लिस नम्बर वार्डे एक कयला डिपो बड़ो যেটা দিয়ে পলিউশন হচ্ছে, খাটাল আছে সেটা সরানোর কথা আগেও বলেছিলেন, সেটা আমরা ব্যবস্থা নেব। আর সাত নম্বর ওয়ালে ভাটি আছে যেখানে আগুন জ্বলে যাবে, তাদের সরে যেতে বলা হয়েছে, সরে যায়নি, সেটা আমরা ইমিডিয়েট অ্যাকশনের মধ্যে যাব। আর जलपाईगुड़ी में पहाड़पुर के पास नेशनल हाईवे के बगल में कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का निर्माण कार्य चल रहा है। काम की प्रगति की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वजीत बसु और संपा सरकार ने दौरा किया। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के निर्माण कार्य के साथ साथ सर्विस रोड सहित पार्किंग जोन के कार्यों का भी निरीक्षण किया। दोनों न्यायाधीशों के साथ जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक और भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। রাস্তার ব্যাপারটা নিয়ে সার্ভিস রোড এইসব নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে, না দেরি হবে বলছে না, ওনাদের কিছু প্রসিডিউরাল কাজ করতে হবে। আজকেই আমাদের ডিসকাশন হলো, আজকে উই উইল টেক ইট ফ্রম হিয়ার, নোবডি হ্যাজ সেড এনি প্রবলেমস, বাট কিছু জিনিস আছে যেটা আইনত করতে হয়, সেভাবেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, সেটা এখনো উই হ্যাভ নট ডিসাইডেড। এগুলো কিছু আমরা ডিসাইড করিনি, এখন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হবে, তারপরে আমরা বিল্ডিং রেডি হলে এই সব কিভাবে বেঞ্চ হবে সেটা ডিসাইড করব। টেন্টেটিভ আপনারা মোটামুটি আগামী 6-7 মাসের মধ্যে ধরে আমরা টার্গেট করছি, লক্ষ্য রাখা যায় মানে 2 জুলাইর মধ্যে সেটা না আমরা কমিট করতে পারছি না। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। सिलीगुड़ी के 30 नंबर वार्ड के देशबंधु पाड़ा के गोपाल मोड़ इलाके की रहने वाली मिताली पाल के घर के अवैध निर्माण और सेफ्टी टैंक को लेकर पड़ोसियों ने सीएम के बोलो पोर्टल पर शिकायत की थी। मिताली अपने टॉयलेट के सेफ्टी टैंक का कचरा नाली से बहाती है, इस कारण इलाके में काफी दुर्गंध फैलता है। शिकायत के आधार पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए मिताली के घर के अवैध निर्माण के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। মানে সিএমএর কাছেও কমপ্লেন দিয়েছিলেন, কবে হয়েছিল যেটা ঠিক আমার মনে নেই, বাট অ্যাজ পার প্রসিজার ওনাকে সব নোটিশ ফোটিশ সব দেওয়া হয়েছে। কিসের ভিত্তিতে ভাঙলেন আজকে? কমপ্লেনের বেসিসেই করা হয়েছে, বোথ কর্পোরেশনেও কমপ্লেন হয়েছিল, সিএম রিডার্সাল প্রোগ্রামেও কমপ্লেন হয়েছিল। কি করেছে ভাই বিল্ডিংটাকে? ইলিগালি বাউন্ডারি ওয়ালের উপরে একটা রুম করেছিল, একটা নিউলি কনস্ট্রাকশন করেছিল, টয়লেট নোটিশ করা হয়েছিল? হ্যাঁ, নোটিশ অ্যাজ পার রুল করা। তারপরে ওনারা না কোনো অ্যাকশন নেয়নি, আজকে অ্যাজ এ পার্ট অফ অ্যাকশন সিলিগুড়ি কর্পোরেশন এটাকে ভাঙ দিয়েছে। স্যার আপনার নাম? ব্রিজিতা চাষ্টাইনিয়া, সিলিগুড়ি মিসর। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तामांग ने मिरिक में बोकार मंदिर का किया दौरा। दार्जिलिंग के पड़ोसी राज्य सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तामांग ने आज मिरिक के बोकार मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। आज सुबह 8 बजे वह मिरिक आए और मठ की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा भी उनके स्वागत के लिए मिरिक आए थे। हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पुललाई निर्माण गर्ने विभिन्न ब्याङ्कको पेसाहरू काम छ। त्यसपछि अहिले भर्खर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि अहिले तपाईँको चुङथाङसम्म पुग्नको लागि, लाचुङसम्म पुग्नको लागि हाम्रो समस्या छ, किनभने चुङथाङ ब्रिज पनि बनिसकेको छ, अनि तपाईँको झरु ब्रिज बनिसकेको छ, अनि टुङबाट पनि बाटो पुग्नको लागि एकदमै हामी केही छ, र त्यो चाहिँ हामीले अलिकति अब हामी लाचेन चाहिँ पुग्न सकिन्छ, किनभने लाचेनमा पुर्याउनको लागि हामी यो चुङथाङको ब्रिज दिएकोले गर्दा त्यहाँ त्यो बाटो बनाउने कुनै पनि मेसिनहरू थिएन। त्यसपछि जब चुङथाङ ब्रिज खोलेपछि मात्र हामीले मेसिनहरू हामीले पठाउँछौँ, यो पनि युद्ध स्तरमा काम गर्छ। र अहिले यसै भन्नु हो भने हामी पूर्ण रूपले अब सामान्य भइसकेको छ, खालि एउटा एक जग्गालाई छोड्यो, लाचेनलाई छोड्यो, र अहिले टुरिस्ट जुन भइसकेको छ
भएपछि कुनै प्रकारको त्यस्तो बाटो कुनै प्रकारको समस्या छैन र अहिले म विशेष गरेर जति पनि पर्यटकहरू सिक्किममा आउँछ चाहन्छु उहाँलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कुनै प्रकारको सिक्किममा समस्या छैन कुनै पनि जग्गा जानसक्छ एक्सेप्ट लाचेन लाचुङसम्म पुग्नसक्छ र कुनै पनि इजी एक्सेसन हुन्छ सबै केन्द्रबाट पुरा हामीले अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक फैमिली रेडी राजू मामा थोड़ा लेफ्ट हाँ वो फील नहीं आ रहा वेट अब फील आया अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয় উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে তাই নতুন হলিক্স উইমেন্স প্লাস যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है समस्या कैसी भी हो जड़ से होगी गारंटेड समाधान ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी कारोबार आर्थिक समस्या विदेश यात्रा विवाह मानसिक तनाव गृह क्लेश नौकरी में तरक्की संतान सुख पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र पंडित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट Contact 6375847663 9635871494 Muthoot Finance, भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212 रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है जी हाँ बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म नेक टाइज बेल्ट सॉक्स स्टॉकिंग स्वेटर ब्लेजर जींस टी शर्ट ट्रैक सूट बॉडी वार्मर इनर स्वाल चादर स्कूल बैग शूज यहाँ पे उपलब्ध है KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी श्री शंकर स्टोर्स जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं ओ बिजनेस पढ़ाना गुड़िया को पढ़ाना मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन भरोसा इंडिया का भरोसा इंडिया का मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212 गुरुजी मैं करोड़पति कब बनूंगा बताता हूँ पहले 500 दो लो इनको क्यों 500 दे जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं कैसे डियर लॉटरी से डियर लॉटरी मैं भी खरीदूंगा जी हाँ नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी घर घर डियर डियर ही डियर डियर लॉटरी A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813 ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से
पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर जिला लोक संस्कृति एवं आदिवासी संस्कृति एवं यात्रा उत्सव का मेयर गौतम देव ने उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में उद्घाटन के मौके पर खोरीबारी प्रमुख परिमल सिन्हा और अधिकारी प्रदीप मिश्रा और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मेयर ने कहा कि यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार की एक पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल की संस्कृति और समृद्ध होगी। इस दिन नेपाल गाने और आदिवासी नृत्य किए गए। यात्रापाल नाटक कल आयोजित किया जाएगा। संस्कृति, आदिवासी संस्कृति एवं यात्रा उत्सव सब मिले तत्व संस्कृति दफ्तर माता सीते खूब सुंदर प्रोग्राम करछे। आज के पाला गान आछे, लोक गान आछे, नेपाली सम्प्रदाय तादेर प्रोग्राम आछे, कालके यात्रा आछे, सब मिले बांग्लार संस्कृति जे वैचित्र्यमय धारा সেই ধারাকে আরও পুষ্টি যোগানোর জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান, এটা খুবই ফলপ্রসূ। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অনুষ্ঠান করছেন এবং এই অনুষ্ঠানগুলোই আমরা আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले कॉलेज पारा के समीप ट्रेन की पटरी पर एक 60 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद हुआ। मृत वृद्ध व्यक्ति का परिचय नतुनपारा निवासी चितरंजन रॉय के रूप में हुई है। वह पेशे से एक लॉटरी विक्रेता था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि मृत व्यक्ति को एक समय में स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई और उन्हें कान से भी कम सुनाई देता था। वृद्ध के लड़के रिंकू रॉय को सूचना दे दी गई है। सब को उद्धार कर रेलवे प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। फुपचिरिंग चाय बागान के गौतम तामांग के इलाज के लिए एकत्रित धन से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। साथ ही यह राशि जरूरतमंद मरीजों को देने का सुझाव देते हुए परिवार के सदस्य और समाज के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पोकरेबोंग तर्जन निवासी कैंसर पीड़ित अमित लोहार को सौंप दिया गया। आधार फाउंडेशन के प्रमुख चंद्र रामुदामू ने गौतम तामांग को उनके उदार हृदय के लिए धन्यवाद दिया। आधार फाउंडेशन के सचिव प्रतीक हिंगमांग और उपाध्यक्ष निर्मल मंगराती का और अन्य मुख्य सलाहकार दीपक भी मौजूद रहे। अनि वहाँ एकदमै सुस्वास्थ्य हुनुभयो। अनि वहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ मलाई दिने रकम चाहिँ मलाई होइन, म एकदमै जाति भए यो रकम चाहिँ कसैलाई दिए जाओस् भनेर उहाँले हामीलाई एउटा सुझाव दिँदाखेरि, एउटा राम्रो सल्लाह दिँदाखेरि, अनि उहाँकै वचनमा हामी पूर्ण रूपले स्वीकारेर आज हामी उहाँको घरमा आएको छौँ। अनि यो पैसा चाहिँ हामी टर्जम डाँडा गाउँ अमित लोहारलाई दिँदैछु, जो चाहिँ क्यान्सर पीडित भ्यालोरमा ट्रिटमेन्ट चल्दैछ। अनि विशेष हामी पहिला यति महान ठुलो हृदय भएको हाम्रो दाजु गौतम तामाङज्यू अनि भाउजू उहाँहरूलाई एउटा सम्मान नगरी सक्दिनँ, किनकि अहिलेको समय पनि यत्रो उदार हृदय भएको मान्छे मनवा रहेछ भनेर हामीले पूर्ण रूपले बुझ्यौँ। र यो चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रो प्रतीक हिङमाङ जो आधार फाउन्डेसनका सचिव हामीले सुसमाचार पायौँ, तपाईँको दीर्घायुको कामना राख्छु। हजुर, म बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आधार फाउन्डेसनलाई सहयोग पत्र लेखिएको थिएँ। आधार फाउन्डेसनद्वारा पैसा जति राशि उठाएर दिने हामीले हामीलाई दिने के भन्छ अटोट गरेको थियो। यो म मेरो स्वास्थ्य निको भएकोले गर्दाखेरि मैले दुसरा कोही म भन्दाखेरि जरुरी हुने साह्रो बिमारी आइदिया जाओस् भन्ने मैले आधार फाउन्डेसनलाई सुम्पेँ। धन्यवाद। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी ब्लॉक में कल शुरू हुआ पथश्री और रास्ताश्री परियोजनाओं के सड़क कार्य की खराब गुणवत्ता से स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण का काम रोककर अवरोध किया। मालूम हो कि इस दिन इलाके के लोग एकजुट होकर सड़क का काम रोककर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे और सड़क अपराध को अंजाम देने लगे थे। उन्होंने इंजीनियर व ठेकेदार से बात कर सड़क जाम हटाया,
जब जिला परिषद सदस्य उर्मिला रॉय को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को देख रही हूं और इंजीनियर से बात भी करूंगी। रास्ता नहीं एक विक्षोभ देखा रास्ता शुरू हो ময়নাগুড়ি রোড বিপ্লবী মিলন সংঘ পাটাঘাট থেকে আমাদের ময়নাগুড়ি রোড রেল স্টেশন পর্যন্ত। তো গতকালকে রাস্তার কাম শুরু হয়েছে, পরপর 300 মিটারের মতো কাজ হয়েছে। তো আজকে সকালবেলা দেখতেছি ওনাদেরই যে একটা লরি গেছে, সেই লরিটা যাচ্ছে রাস্তাটা ফাইডে ফাইডে যাচ্ছে। তো আমরা গ্রামের সবাই জনসাধারণ এই জন্যই এটা বিক্ষোভ করলাম যে রাস্তা কালকে বানাইছে আজকে ফাইডে যাচ্ছে, এই জন্য ওইটা দেখার জন্য। তারপরে হাত দিয়ে দেখতেছি সব উঠে যাচ্ছে। আপনারা কি চাচ্ছেন এখন? আমরা চাচ্ছি যে আমাদের গ্রামের রাস্তা নির্মাণটা ভালো হোক, ঠিক আছে, এইটাই যাচ্ছি। কত মিটার কাজ হয়েছে? এটা হচ্ছে 1500 কিমি। ওটা কি কাজ টোটাল বিক্ষোভ কি হচ্ছে রাস্তার কাজ সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে না, আন্দোলন রাস্তায় জনসাধারণ চাচ্ছে শুধু রাস্তা লাগে আমাদের সুস্থভাবে কাজটা হোক, এই নিয়ে আন্দোলন আমাদের সাধারণ পাবলিক ঘিরে আন্দোলন করতেছে। আমাদের রাস্তাটা আর বারবার হবে না, একবারই হবে, একবারের জন্য সেই রাস্তাটা তৈরি করার জন্য আজকে ঠিকাদার করে যাচ্ছে, কালকে ঠিকাদারকে আমরা খুঁজে পাবো না। তদ্রুপ আমরা এই রাস্তাটাকে সঠিকভাবে রাস্তা যা শিডিউলে ধরা আছে শিডিউলে আমরা চাই, তদ্রুপ সেই কাজটুকু আমার যারা রাস্তা ধরা আছে ওরা কালকে বলছিল, কালকে আমি প্রশ্ন করছিলাম মিস্ত্রিদেরকে, কে তোদের রাস্তা শুরু কত ধরা, প্রায় 1 ইঞ্চি থিউরিজ ধরা আছে, সেই থিউরিজটা ঘেরা নাই, স্কুল ড্রাইভার আমি ঢুকাই সেখানে পাবো না, আমি রাস্তা ভাঙা লাগাম আমি বলে প্রশ্ন ধরবো আগে, থিউরিজে পাচ্ছি না, সেই রাস্তা নিয়ে আমরা বললে বলো সাধারণ পাবলিক হচ্ছে, এই জন্য আমাদের রাস্তা আবার ভালো করে সুস্থভাবে তাহলে কাজটা করবো। কোথায় করলেন? হ্যাঁ, কোথায় করলেন এই বিক্ষোভ? স্টেশনে, अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा केवल 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा 1 करोड़ केवल 6 रुपया मा किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।